वेलकम अगेन। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है और याद करना भी जरूरी है। अमेजिंग मैंने इसलिए कहा है क्योंकि ये हमें भी थोड़ा थोड़ा अमेज करते हैं। जब हम इनके बारे में पॉइंट्स के बारे में जानेंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा सा आश्चर्य होगा। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ सबसे छोटी सेल की। दरअसल मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट नॉन सेल, सबसे जो छोटी सेल है अब तक की जो ज्ञात सेल है, HPPLO मतलब प्लूरो PLEURO प्लूरो निमोनिया। यहाँ पर पी साइलेंट रहता है तो PNEUMONIA पढ़ते हैं, PNEUMONIA प्नोम्यूनिया लिखा होता है लेकिन निमोनिया पढ़ते हैं। तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये दुनिया के जो ऑर्गेनिज्म होती है उनकी सेल जो होती है वो सबसे छोटी है, संसार में सबसे छोटी सेलों वाले ऑर्गेनिज्म है। अगला, इट बिलोंग टू द माइकोप्लाज्म ग्रुप। ये दरअसल क्या है ना कि माइकोप्लाज्म ग्रुप से संबंधित होते हैं, मतलब इनका सीधा सीधा संबंध जो होता है माइकोप्लाज्म ग्रुप से होता है। माइकोप्लाज्म ग्रुप की सेल्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी साइज इतनी ज्यादा छोटी है कि 1×10⁻³ माइक्रोमीटर क्यूब में इनकी सेल पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि इन सेलों को हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, ये बहुत ही ज्यादा छोटी सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट क्रिएचर। वायरस जो है दुनिया का सबसे छोटा क्रिएचर है। इसकी साइज होती है 7.0×10⁷ 10⁻³ माइक्रोमीटर क्यूब। इसका मतलब ये दुनिया का ऐसा जीव है जिसे हम माइक्रोस्कोप से ही ओनली देख सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। लेकिन एक खास बात क्या है, हाउएवर दे आर नॉट द सेलुलर, लेकिन ये सेल से मिलकर के नहीं बने होते, ये सेल्स का नहीं बना होता है, ये सेल से बिल्कुल डिफरेंट तरह का होता है। सेल की स्ट्रक्चर जो होती है और इसकी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा अलग होती है। तभी मैंने आपको जब पढ़ाए थे सेल एक्सेप्शन, मैंने पिछली वीडियो में जो पढ़ाए हैं उनमें जाकर के आप देख सकते हो, तो वहां मैंने बताया है कि सेल और वायरस में अंतर क्यों है। अगला, द लार्जेस्ट सेल इज द ऑस्टेचेक। ऑस्टेचेक की जो सेल है दुनिया की सबसे बड़ी सेल है। इसकी साइज होती है 1.1×10⁻¹५ माइक्रोमीटर क्यूब। इन सबकी पावर देखो माइनस में है, लेकिन इसकी पावर किस में, प्लस में है। प्लस पावर का मतलब हो जाता है इसके ऊपर 15 लगा देंगे, इतनी बड़ी इसकी साइज है वो भी माइक्रोमीटर क्यूब में। तो इस सेल को लगभग हम आंखों से देख सकते हैं और ये ऑस्टेच जो है फुतुरमुर्ग बोलते हैं हमारे यहाँ हिंदी में, उसके अंडे में देखने को मिल जाती है। दरअसल ये जो जीव है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एग है द रिजर्व फूड। एग के अंदर एक रिजर्व फूड होने की वजह से ये जनरली क्या होता है, इसकी सामान्य से बड़ी साइज होती है। दरअसल एग को जितना बड़ा होना चाहिए उससे बड़ा वो होता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उसके अंदर बन रहे बेबी के लिए पहले से उसमें रिजर्व फूड होता है।